हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। जैसे एक एफ्ट्रॉन का एलईडी टीवी है 32 इंच का। ये स्टैंड बाई लाइट ओके है, पर मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज़ कर रहा हूँ। स्टैंड बाई रिलीज़ करने के बाद देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। स्टैंड बाई रिलीज़ किया, स्टैंड बाई रिलीज़ करने के बाद इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पिक्चर नहीं आया, कोई स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले पर कोई पिक्चर नहीं आया। और बैकलाइट ओके है। बैक जैसे मैं उंगली से प्रेस कर रहा हूँ तो बैकलाइट का लाइट जल रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि बैकलाइट इसका ओके है। तो बैकलाइट का लाइट ओके है पर पिक्चर इस पर नहीं आ रहा है, तो हम समझ रहे हैं इसमें पिक्चर का प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये देखिए मदरबोर्ड और बैकलाइट, ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का एलसी 32 0AN09, ये कभी कभी कोड चेंज होता रहता है। ये चाइना मॉडल का वन कॉफ फाइनल है, तो वन कॉफ फाइनल काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, बहुत सा कंपनी यूज करता रहता है। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर को किसी मैकेनिक ने और ऑलरेडी पहले से ही शॉर्ट ट्रांजिस्टर किया था, 12 वोल्ट ऑलरेडी इस पर जंपर कर दिया है। तो ये मैंने देखिए 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ फ्यूज पर। स्टैंड बाई मैंने रिलीज़ नहीं किया पर इस पर 12 वोल्ट ओके वोल्टेज आ गया है। कहने का मतलब जो स्टैंड बाई रिलीज होता है तो प्रोसेसर आईसी एक सिग्नल भेजता है और उसको बोला जाता है कि आप पैनल को वोल्टेज दीजिए, तो जाके करता है, और ये डायरेक्ट कर दिया। तो ये देखिए इनपुट वोल्टेज सही है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो नहीं आता है, मैंने चेक किया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये आउटपुट वोल्टेज नहीं, इस पर नहीं आता है। तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। पैनल को वोल्टेज मदरबोर्ड से जो डाटा जाता है उसी वक्त वोल्टेज भी जाता है, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, तो हम स्क्रैप बोर्ड में से लगा कर आपको हम दिखाएंगे। स्क्रैप में से निकाल कर और वहाँ पर देखिए लगा दिया हूँ, और जो ख़राब था वो साइड में, उसको मैं हटाकर दूसरा हटा रख देता हूँ। और मैं वोल्टेज चेक करता हूँ आपको, स्टैंड बाई रिलीज करके मीटर पर थोड़ा बने रहे। तो ये देखिए स्टैंड बाई मैंने रिलीज़ किया, देखिए 12 वोल्ट इस पर आ गया, 12 वोल्ट आ गया, बैकलाइट भी आ गया। अब हम चेक करेंगे सारे वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज। जैसे देखिए स्टैंड बाई के रिलीज हो गया, अब हम चेक कर रहे हैं नॉर्मली वोल्टेज चेक करेंगे हम जो पैनल का। ब्यून वोल्टेज इस पर नहीं आ रहा है, कुछ सेकंड के लिए आता है चला जाता है, 9 वोल्टेज आया था फिर चला गया। तो हम एक बार जो पैनल का जो दोनों साइड का जो सी के वी लाइन ट्रैक है, ये थोड़ा मैं बारीकी से नज़दीकी से दिखा रहा हूँ आपको, ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को कटेंगे, क्योंकि इसलिए मैं काटूँगा क्योंकि मैं थोड़ा एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो DC to DC IC काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज अगर बूस्ट बनाएगा उसके बाद डाउन हो जाएगा, तो समझ लीजिए DC to DC IC सही है। ये एक तरीका हुआ, और मैं सारे नॉर्मली वोल्टेज भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो ये भिन्न वोल्टेज को चेक करेंगे, सबसे पहले एक ट्रैक काट कर, और पहले हम लेफ्ट साइड काटेंगे उसके बाद ट्रैक राइट साइड को काटेंगे। ये राइट साइड अभी नहीं काटेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड काटेंगे। तो काट को देखाएंगे, मैंने थोड़ा सा एक इसको क्लीन कर दीजिएगा ताकि ट्रैक काटने में और जोड़ने में बहुत सुविधा हो। ये मैंने क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद मैं आपको ये देखिए अभी मैंने नहीं काटा हूँ इसको ट्रैक। तो पहले सबसे पहले वोल्टेज हम दिखाते हैं इसको नॉर्मली वोल्टेज 1.1 वोल्टेज और 3.3 बनता है या नहीं बनता है, उसके बाद यही बनता है, सारे वोल्टेज बनता है, इस पर हम काम करेंगे। तो 3.3 वोल्टेज ओके है, और 1.8 भी चेक करना है आपको, 1.8 भी वोल्टेज ओके है, इस पर और दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ठीक है। पर भी वोल्टेज थोड़ा एक बार सेकेंड के लिए आता है उसके बाद चला जाता है, तो यही तो प्रॉब्लम है। DC to DC IC वोल्टेज बूस्ट होकर डाउन हो जाता है, स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, फीडबैक वोल्टेज उसको शॉर्ट होता है इसलिए वजह से। तो ये ट्रैक मैंने 1x1 काट कर CKV1 CKV2 लाइन दो ट्रैक मैंने काटा, और उस कट करने के बाद पिक्चर नहीं बना, तो मैंने चार ट्रैक कट दिया हूँ, जैसे कि शो कर रहे हैं अभी ट्रैक को। चार ट्रैक कटने के बाद मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज हुआ या नहीं हुआ। तो एक साइड से मैंने ट्रैक कट दिया हूँ आपको, थोड़ा सा एक ट्रैक काट कर आपको वोल्टेज चेक करना है कौन सा ट्रैक में वोल्टेज है। भीवन वोल्टेज देखिए इस वोल्टेज ओके है, और ये भी DD वोल्टेज 14 वोल्टेज ओके है। तो और मैं इसी के भी लाइन वोल्टेज चेक करूँगा, ये यहाँ पर 5 वोल्ट कुछ होना चाहिए, पर ठीक है, ये वोल्टेज देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए, ये भी ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए 10 वोल्ट के करीब में, 10 वोल्ट ओके है। पर इस पर एक 0 वोल्ट आ गया था, यहाँ पर कमी था। ये देखिए पिक्चर मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये पर इसमें पिक्चर ओके नहीं हुआ, वर्टिकल बार आ रहा है। तो एक वोल्टेज वहाँ पर मिसिंग था, थोड़ा IC भी मैंने टच करके देखा तो IC भी थोड़ा हीट हो रहा है, तो इसके मुझे लगता है उस ट्रैक से शॉर्ट नहीं है, इस ट्रैक से शॉर्ट है। तो ये देखिए ये वोल्टेज 6.7 वोल्टेज मिसिंग था,
इस तरह का डाटा शीट है वोल्टेज का डाटा शीट। तो मैंने ट्रैक को, इस ट्रैक को मैंने जोड़ दिया हूँ, ये देखिए इस ट्रैक को मैंने जोड़ कर, अब मैं उस ट्रैक से काट कर मैं आपको दिखाऊँगा। इस हिसाब से मैंने ट्रैक कट कर दिया हूँ, जाकि 5 ट्रैक, तो जाके वोल्टेज इस पर बना या नहीं बना, देखिए पिक्चर ओके हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, तो लाइक कीजिए। कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग आपको शुरू में बताए थे कि पहले हम लेफ्ट साइड से काटेंगे और काटने के बाद ट्रैक हम जोड़ दिए, देखिए जैसे कि हम जोड़ के आपको दिखाए हैं, और राइट साइड को काटे हैं क्योंकि राइट साइड में शॉर्ट था। मुझे पता नहीं था कि राइट साइड में शॉर्ट है या लेफ्ट साइड में शॉर्ट है। तो ये मैंने ट्रैक कट को मैं जोड़ दिया और टीवी का फिनिशिंग कर दिया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये वीडियो आपको लगा कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई गाना लगा कर दिखाता हूँ पिक्चर कैसा है, कोई वर्टिकल बार नहीं आ रहा है। ये वीडियो कैसा लगा?